बार हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद सर इससे पहले भी आपने कहीं सर्जरियाँ अंजाम दी तो उसके हवाले हाँ से बताइए कि जो कल का जो पेशेंट है बहुत ही क्रिटिकल था एक माइनर बच्चा क्या कुछ सर्जरी थी वो कितना क्रिटिकल था सर शुक्रिया शाह साहब यहाँ आने के लिए एक बच्चा था आठ साल का ये पेट से गिरा था और फिर नीचे खुद शार्प उबजट से इसका गला कट गया था जी तो ये हमारे पास आया कल लगभग पाँच बजे तो हमने टाइम को वेस्ट किए बगैर हमने डायरेक्ट उसके पेशेंट को शिफ्ट किया ऑपरेशन थिएटर में ठीक है उस बच्चे को अब अच्छा खासा ब्लड लॉस हो चुका था ऑलरेडी तो हमने पहले आधे घंटे इस पेशेंट को रजिस्ट्रेट किया इसका खून खून जो ब्लड जो लॉस हो रहा था वो रोका वो बाकी आई आईवलाइन जो बाकी फ्लोर लगाए जब तक पेशेंट स्टेबल हो गया स्टेबल होने के बाद हमने बिल्कुल जल्दी की उसकी सर्जरी की हमने अंडर जनरल इनस्थीजिया इसकी सर्जरी की एक घंटे तक इसकी सर्जरी चलती रही और माशा पेशेंट बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक रहा उसके बाद ठीक है तो इस सर्जरी में तो मैं खुद था और मेरे साथ मेरी टीम में था मेरा असटेंट डॉक्टर रामकृष्ण और सर्जिकल असिस्टेंट डॉक्टर मिस्टर सईद तारिक थे और एनिसिया साइड से डॉक्टर जहांगीर कंसल्टेंट एनस्थीजिया और उनके आ, आ, साथ असिस्टेंट हाँ मिस्टर गुलाम रसूल भट्ट साहब थे उनके साथ थे डॉक्टर साहब तो बिल्कुल इस बच्चे में अगर देखो तो हम आ, पहले पिछले रेफ़र करते हैं किसी और अस्पताल में मुझे नहीं लगता है ये बच्चा बच बच्चा, जाता है रास्ते में इसके मूं क्योंकि ऑलरेडी ब्लड आर्णी बहुत लॉस हो चुका था इस, इसके तो फिर रास्ते में और ब्लड लॉस तो ये इसका श्रीनगर तक पहुँचना ही मुश्किल था तो हमने ये डिसाइड किया तो एन एस टीम और हमने डिसाइड किया नहीं अगर करना है कुछ यहीं पे करना है इस बच्चे को बचाना है हमें तो माशाल्लाह सबका जो टीम जो जो टीम एफर्ट था ये काम कर गया और जिस वक़्त आप सर्जरी बच्चा तो ऑलमोस्ट उस टाइम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही था उस टाइम क्योंकि ब्लड लॉस बहुत लॉस हो चुका था ब्लड लॉस हो चुका था उसका तो स्टेबलाइज करके फिर सब कुछ ठीक रहा जब स्टेबलाइज कर सर्जरी की उसके बाद बच्चा उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया उसके बाद पहले हमने मैंने यहाँ पे तीन कैंसर सर्जरी की कोलन कैंसर थी एक राइट हेमीकोलाटमी दो और लेफ्ट हेमीकोलाटमी एक किया यहाँ पे और एक पेशेंट थी जिसका था ट्रिपल कंपार्टमेंट प्रोलेप्स था वो भी एक रेयर सर्जरी होती है वो हमने यहाँ पर की कुछ महीने पहले हमने यहाँ पे किए और वो पेशेंट सारे बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स क्या है बैकअप हमारा क्या है तो हमारे कोशिश यही रहती है कि उन पेशेंट्स को हम यहीं पे ट्रीट करेंगे अब हम फिर जो पेशेंट ऐसे भी होते हैं नहीं हम जो हम लगता है नहीं इनको प्रॉपर टर्स हॉस्पिटल जाना चाहिए उनको हम रेफर करते हैं बाकी घबराने की कोई बात नहीं हर किसी चीज़ का इलाज है आज रेयरली आज पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है बहुत रेयरली क्योंकि हमारे पास आज तो माशा हर किसी डिस्ट्रिक्ट में आज जी है यहाँ पे एस एम एच एस या स्कीम्स में ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट नाइन पेशेंट का यही पर इलाज होता है आजकल डॉक्टर साहब अगर कमियाँ हैं अभी ऑपरेशन थिएटर में कमियाँ हैं बाकी बैकअप लाइक आई सी यू आई सी यू फैसिलिटी अभी यहाँ पर नहीं है हम कभी मेजर सर्जरी करनी होती है हमें सोचते हैं इस पेशेंट को पोस्ट ऑप आई सी यू बैकअप की जरूरत होती है वहाँ पे हम थोड़ा मोहताज बनते हैं वहाँ पे वो पेशेंट सर्जरी नहीं कर पाते हैं तो अगर पेशेंट को यहाँ पे आईसीयू बैकअप होता तो हम मेजर सर्जरी भी यहाँ पे कर सकते हैं वो और भी कुछ चीज़ों की यहाँ पे कमी है अभी हम जो रेगुलरली इनको इन्फॉर्म करते हैं हम इ, आ, इन चीज़ों की कमी है और लेकिन वहाँ से रेस्पॉन्स अच्छा रहा है हमारे मेडिकल स्प्रोडेंट साहब या हमारे सी साहब जो हैं वो इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं इन चीज़ों को दे रहे हैं वो चीज़ों को आहिस्ता या इंटस्टाइन का या कोलोराटल का हो या ब्रेस्ट सर्जरी हो ये जो जनरल्स में सारे आते हैं ये सर्जरी हम कर सकते हैं जो गोलट में सारे को, को, कोलोनिक कैंसर होते हैं या हेमराइड्स होते हैं फिशचूलाज होते हैं पायोनाइल साइनस होते हैं ये सारी सर्जरी हम यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर तो, तो हमें रेगुलरली इनको कैंप लाइक एजुकेशन देनी है लोगों को ये हम हमें डिपेंड कर लोगों को अवेयर करना है डेली ऑन कैंप करने हैं उनको अवेयर प्रोग्राम्स को ऐसे बनाने हैं ताकि लोगों को लाइक like हमें ना किसी से कोल कैंसर होते हैं उनके अवेयर करना है ब्रेस्ट कैंसर से उनको कैसे हम कैसे जांच करें हम ये हमें उनको यहीं से हमको उनको एजुकेशन देनी है लोगों को चाहे वो टी के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए हम उनको अवेयरनेस देनी है तो बगैर यहाँ पे हो, हो, हो ये यह चीज़ें यहाँ पर हो ही नहीं सकती है चाहे मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मीर महमद शफियो याड हमारे सी एम ओ साहब डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब है उनका फुल सपोर्ट है लॉजिस्ट सपोर्ट है और हमेशा वो इंक्रेज करते हैं इन चीज़ों के लिए शाबाशी देते हैं इन चीज़ों के लिए और उनके बगैर जो सपोर्ट देते हैं उसके बगैर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आपको कभी भी फिर, फिर जब कैज के डॉक्टर हमें इन्फॉर्म करते हैं ऐसे पेशेंट आया है तो इसको देखने के लिए फिर हम जाते हैं इस पेशेंट को हमें लगता है इसको सर्जरी करने की जरूरत है हम तो इमीडिएटली फिर उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम सर्जरी करते हैं उसी टाइम करते हैं उस पेशेंट को डॉक्टर साहब आखिर ये जो हमारा जो आ, नोशन है बहुत सारे लोगों में कि नहीं एच डी कुपारा में ये चीज़ नहीं हो सकती हम डायरेक्ट श्रीनगर जाएँ या बाहर चल जाएँ ये गलत सोच है उनकी वो एक बार ट्राई करके हमारे पास यहाँ पे आए ठीक है और उनके पास जो भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस करें ठीक है तो डायरेक्ट श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमारे पास माहिर डॉक्टर है सर्जन माहिर डॉक्टर है बहुत सारे यहाँ पे और बाकी अच्छे अच्छे डॉक्टर है यहाँ पर एक बार यहाँ पे पहले डायरेक्टली यहाँ पे आए जो यहाँ पे विसिनिटी के लोग हैं तो अच्छी तरह उनसे मशवरा कर डिस्कस करके तब जाके अगर डॉक्टर साहब को लगेगा वहाँ श्रीनगर या बाहर जाने की जरूरत तब जाके ऐसे डायरेक्टर नहीं जा सकते जा सकते वहाँ पर ठीक है सर शुक्रिया